रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। बिहार की सुरीली आवाज का आज पूरा देश दीवाना है। बॉलीवुड में तहलका मच गया है। सोनू निगम से लेकर नीतू चंद्रा तक इस मखमली आवाज के जादूगर की दीवाने हो गए हैं। सोनू सूद ने तो बाकायदा इस हुनर को मुंबई का बुलावा ही भेज दिया है। सोशल मीडिया पर रातों रात छा जाने वाले बिहार के समस्तीपुर के एक साधारण से परिवार का एक लड़का जिसकी आवाज में ऐसा जादू है, जिसने भी सुना वो दीवाना हो गया। 90 के दशक के सुपरहिट गानों को अपनी आवाज देकर इंसाफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इतना ही कर दो करम, हो दिल दे दिया है जान, तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम। बिस्तर में लेटे लेटे श्रीवल्ली जैसे गानों को बड़ी आसानी से गाने वाला ये हुनर अब तक पहचान का मोहताज था, लेकिन आज सोशल मीडिया में नया सिंगिंग स्टार बन गया है। नाम है अमरजीत जयकर। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी है तेरी जो तू पलकों को झुकाए, रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू, तेरी झलक सरफी श्रीवल्ली नैना मदक वर्फी, तेरी झलक सरफी श्रीवल्ली बाते कर दो हरफी। बिहार के समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी प्रखंड के रहने वाले अमरजीत जयकर की सुरीली आवाज का जादू आज पूरी माया नगरी में गूंज रहा है। गायक सोनू निगम का यह ट्वीट माया नगरी की दीवानगी को बयां करने के लिए काफी है। सोनू निगम ने अमरजीत जयकर के गाने को ट्वीट करते हुए लिखा, मुंबई में ऑटो में ईयरफोन लगाकर गाने वाले तो हजारों मिलेंगे, लेकिन अपनी असली आवाज से जो मन मोह ले वही असली गायक होता है। भाई का नाम अमरजीत जयकर है, ऐसे टैलेंट की कद्र होनी चाहिए। सोनू सूद ने लिखा, सब पर भारी एक बिहारी। तो वहीं एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने अमरजीत जयकर का नंबर ही मांग लिया। ओ इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे। रानू मंडल की कहानी एक सपने की कहानी थी। कुछ उसी तरह अमरजीत जयकर भी लंबे संघर्षों के बाद जब थक हार कर घर बैठ गया था, तब अचानक ऐसा चमत्कार हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। इंडियन आइडल के सीजन 11, 12 और 13 में अमरजीत जयकर ने खूब जोर लगाया, लेकिन सेकंड राउंड से आगे नहीं जा पाया। आखिरकार निराश होकर वापस लौट आया, लेकिन तभी अपने इंस्टाग्राम में और ट्विटर अकाउंट पर उसने अपनी मखमली आवाज फिल्मी गानों को गाकर लोड करना शुरू किया। तभी एक गाने ने अमरजीत जयकर की जिंदगी बदल दी। सोनू सूद ने अमरजीत जयकर को मुंबई बुलाया है। अमरजीत को लग रहा है कि अब उसका सपना सच हो जाएगा, बस डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो अमरजीत जयकर की कहानी रानू मंडल की तरह हो। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम अमरजीत जयकर, बिहार समस्तीपुर से। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बात बताते हुए कि सोनू सूद सर के तरफ से, उनके टीम के तरफ से मेरे को कॉल आया था कि आप आ जाओ यहाँ पे, तो मैं बहुत खुश हूँ सर ने मेरे को बुलाया है। और मैं सर को क्या बोलूँ, मतलब मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आपने एक छोटे से कलाकार को जो एक गांव में है, गांव में गाता है, खेत में खलिहान में ऐसे ही, जिसके ऊपर कोई आज तक ध्यान नहीं दिया है, तो सर आपने मेरे ऊपर ध्यान दिया और बहुत सारे लोगों ने ध्यान दिया सर,
मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जल्दी सर मैं आपके पास आता हूँ मिलने। प्रणाम। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।